Hello guys, and this is Kirti Pankaj Sarangi, your maths faculty, and in this video we are going to learn about percentage in the which was left behind. Okay, जहाँ छाड़ी जाइए आम गोटे भिड करते पूर्व परसेंटेज वन से आम अल्प पढ़ी बट एम डिस्क्राइबली आउ अधिक पढ़ा. सो परसेंटेज गोटे बहुत इम्पोर्टाट चैप्टर जो चैप्टर को कि जिते तुम पढ़व से नुआ नुआ जिनस आसो. सो तो ये भिडियो आम कौन देखा मोस्टली केमी आम परसेंटेज को किसी अलग वे डिराइव करपर मैंने जमीक तुमको जब मुझे कहि लेट से हियर इज ए सर्कल लेट से तुम ये गोटे अंडा बोली भाव पार गोटे चकुली पिठा बोली भाव पार कि भी भाव पार तुम इच्छा तुम जमी भाव तुम सर्कल ठीक अच्छे तुम या पिठा भाव पार रिंग भाव पार अंडा भाव पार कि भाव पार. सो जितेबले मुझे या जस्ट इक्वाली टू पार्टस डिवाइड कली दीटा इक्वाल पार्टस डिवाइड कली. सो जदि मुटा को हंड्रेड बोली कहूली आगुरी तो एबे एटा 50 ही जीवो एटा 50 ही जीवो इक्वल पूरा इक्वल पार्ट रे डिवाइड कर छी एटा 50 ही जीवो एटा 50 ही जीवो. सो दिस इज कैन आई से इफ दिस इज 100% सो दिस इज 50% एंड दिस इज आल्सो 50% जदि टोटल टा 100% बोली कहिबी जेन उपरटा केते ही जीवो 50% ही जीवो एंड तळटा भी केते ही जीवो 50% ही जीवो. सो दिस मस्ट बी 1/2 मु अधा कर तो दिस मस्ट बी 1/2 एंड दिस मस्ट बी 1/2 मु इक्वली टू पार्टस मैंने 1/2 अधा कर. सो 50% इज इक्वल टू 1/2 हो पार तुम मुझे तुम जो 50% 1/2 है. सो जदि भी तुम नर्माली एमती लिखे जे 50% तो 50% जदि लिखे केिखिपरि 50 out of 100 50% जदि लिखी आउट ऑफ 100 देन दिस इज 1/2 आसीगला. सो एमती भी फ्रैक्शनल वैल्यू केते आसिला फ्रैक्शनल वैल्यू आसिला केते 1/2 ताले 50% रो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 सेमिति जदि मु बहुत गुडे नंबर रो बाहर करी फ्रैक्शनल वैल्यू कारण एग्जाम रे तमे जते बेले एग्जाम हॉल को जिवो ए फ्रैक्शनल वैल्यू तुमको बहुत हेल्प करिवो कैलकुलेशन को इजीयर करिवार. सो आम गोटे गोटे नंबर रे देखा जे केते आसुची तो फर्स्ट केते आसिला 1 तो मुझे जानी केते 100% ठीक अच्छे देन 1/2 आसो देन 1/2 रो वैल्यू केते आसिबो दैट इज 50% एबे सांगे सांगे तुम सामने रे बाहर कली देन 1/3 1/3 को 1/3 रे 100 करो देख मल्टीप्लाई कले केते आसिबो 33.33% और तुम या देखिपर 33.33 33 पूर्ण 1/33 है वैल्यू हो पार. सो 1/4 तो 1/4 देख जदि एमती डिवाइड कली तो एटा 1/4 एटा 1/4 एटा भी 1/4 आउ एटा भी 1/4 तो ये के 25% हो. सो तुम ये सब जिन जाथ बट या मन रखा पड़ो 25% मन रखा पड़ो मैंने एत थर तुम निजे क्वेश्चन कला बेल एत थर प्राक्ट कर तुम मन ही रही है. 1/5 इज इक्वल टू 50% 1/6 इज इक्वल टू सॉरी 20% दिस इज 20% आई एम मिस्टेकन वेट अ सेकेंड दिस इज 20% एंड 1/6 इज इक्वल टू 16.66% 1/7 इज इक्वल टू 14.28% 1/8 इज इक्वल टू 12.5% 1/9 इज इक्वल टू कितने आसो 11.11% 1/10 मुझ बाहर करी बिकज मुझ आसेनि 1/10 1/10 वैल्यू केते परसेंट मुझ जानी तुम मैंने समस्त जान 1/10 इज इक्वल टू 10% या लिखा कि दरकार नहीं भितर मुझे लिखुची. सो देन आसवे के 1/11 1/11 1/11 वैल्यू केते आसो 9.09%
वन बै ट्वेल्व रैल्यू के आसो वन बै ट्वेल्व रैल्यू आसो दैट इज 8.33% वन बै थर्टिन रैल्यू के आसो वन बै थर्टिन रैल्यू आसो 7.69% आई थिंक यहाँ एत इम्पोर्टाट नुह तुम मानी यटा को छाड़पर तुम्हें वन बै फोर्टिन रैल्यू के आसो वन बै फोर्टिन वैल्यू 7.14% वन बै फिफ्टन रैल्यू के आसो वन बै फिफ्टन रैल्यू के आसो 6.66% ए नंबर को तुमको बाय हार्ट करिवो पड़िवो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट वन टू फाइव पर्यंत तो समस्ते जानी बट आउ टिके नंबर्स रा टिके डिफिकल्ट अच्छी बट यू हैव टू बाय हार्ट इट बाय हार्ट कौन माने एत थर तुम यूज करथिबो सो दैट इट विल बी इजिली गेट रिमेम्बर्ड व्हेन यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चंस ओके वन बै सेवेन्टीन रैल्यू 5.88% बट ये जिनसटा तुम एत मन रखा दरकार ना यहाँ को तुम स्किप कर पार जो मैं क्रस मार्क करुच्ची तुम्हें स्किप कर पार तो वन बै एटीन रैल्यू के आसपर वन बै एटीन रैल्यू 5.55% एंड वन बै नाइंटीन रैल्यू के आसो वन बै नाइंटीन रैल्यू आसो के तुम स्किप कर पार वन बै नाइंटीन रैल्यू 5.26% यटा को तुम स्किप कर पार वन बै ट्वेंटी रैल्यू मत कह दरकार नहीं वन बै टेन आन बै ट्वेंटी एम भैल्यू मत कह दरकार ही ना वन बै टेन रैल्यू के 10% एंड वन बै ट्वेंटी रैल्यू के 5% ठीक अच्छे तो वन बै थर्टी भी तुम लिखिपर वन बै थर्टी के 3.33% वन बै ट्वेंटी फाइव रु तुम लिखिपर वन बै ट्वेंटी फाइव परसेंट रैल्यू के 4% ठीक अच्छे सो एमती ये नंबर्स को मन रखा तुमको पड़ो तो क्वेश्चन सॉल्व कला बेले एत थर तुम ये सब जिनस को पढ़ी सो दैट इट विल इजिली बी डन बाय यू इन द एग्जामिनेशन ओनली माने क्वेश्चन कला बेले तुम यही नंबर गुड़ाक एत थर प्राक्टिस कर माने जिते बेले भी नॉर्मली करुच तुम गोटे थर निजे गुड़ाक बाहर कर आग गोटे थर एबे तो देख ला माने तुम गोटे थर निजे घरे खातार गोटे थर या बाहर कर निजे बाहर कर मुझे बाहर कली 50% वन बै हंड्रेड बाहर कली तो सेमती कौन कर तुम कौन कर वन बै टू इंटू हंड्रेड करदेव वन बै इलेवेन इंटू हंड्रेड करदेव तो हंड्रेड कले तुम भैल्यू बाहरी पलैस तो एबे एमती भैल्यू बाहर कर सब गुड़ाक देखो जो जहाँ लिखी से ठीक अच्छे ना भूल अच्छे आई थिंक मोर गोटे जोड़े भूल थी जदि तुम फाइंड आउट कर ठीक अच्छे सो ना मैं सर एमती भूल करें बट जदि भूल थी देन यू कैन फाइंड आउट यू आर माय ग्रेट स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट जदि आम जा डिराइव फ्रैक्शनल वैल्यू भी अच्छी डिराइव्ड फ्रैक्शनल वैल्यू वैल्यूज अच्छे सो डिराइव फ्रैक्शनल वैल्यू माने कौन जमी आम बाहर कले वन बै थ्री वन बै थ्री वैल्यू के आसला 33.33% तो ये 33.33% जदि आसला तो मुझे न्यूमरेटर को टू करना टू बै थ्री भी आसपर तो टू बै थ्री कले ये नंबर में खाली गोटे टू टे मल्टीप्लाय करार अच्छे तो टू टे मल्टीप्लाय करी जी यहाँ के 66.66% सेमती जदि मु थ्री बै थ्री करी तो दैट इज वन तो जदि फोर बै थ्री करी तो केत 100% रु अधिक ओब्वियसली तो 100% रु जदि यहाँ अधिक यार वैल्यू के यार वैल्यू हो 133.33% सेमती फाइव बै थ्री जदि करी देन तार वैल्यू फाइव मल्टी या फाइव मल्टीप्लाय कर तो या के मल्टीप्लाय कल फोर में मल्टीप्लाय कल या के मल्टीप्लाय कर फाइव मल्टीप्लाय कर तो फाइव मल्टीप्लाय कले के 166.66% आस सो आई थिंक इट्स क्लीयरली भिजिबल जो यहाँ मुझे आईटा मुझे आंड यहाँ मुझे आके सो बुझीगला तो कमी आस 133.66.66% सेमती आउ भी किसी अच्छी एवं मुझे एमती मल्टीप्लाय कर सीधा वैल्यूज रखी सो वन बै फाइव रैल्यू मुझे जानी के 20% तो सेमती टू बै फाइव रखिपरि के 40%
देन 3/5 रो लिखि परिबी केते 60%, 4/5 रो वैल्यू केते लिखि परिबी 80%, एंड 6/5 रो लिखि परिबी केते 120%, एंड आई कैन गो अलोंग लाइक दिस माने मो हर बहुत बाहर करि परिबी 7/5 बाहर करि 140%, 7/5 बाहर करि 140%, 8/5 बाहर करि 160%, 9/5 बाहर करिबो 180%, तो सेमि तमे आगु को हजार बाहर करि परिबो, तो एउडा केते बेले आसीबो ना एउडा प्रैक्टिस रे ही आसीबो, तो तमे प्रैक्टिस करो देखिबो जे ए नंबर ओडा एते इजीली तमे हाकु को पळे आसीबो। सो 1/6 जदि बाहर करिबे केते मु जानि छी 16.66% या पूर्व पेज रे लिखितली, तो 16.66%, सेमि 2/6 जदि बाहर करिबे केते आसीबो, दैट इज 1/3, तो 1/3 तमे बाहर करछी 33.33%, तो मत आउ दरकार नहीं, तो 2/3 टा मोर दर डिराइव ही नुह, एटा गुरु अच्छी 1/3, सेमती 3/6 जदि बाहर करी 3/6, तो 3/6 रो वैल्यू केते 1/2, एको भी मु आगु बाहर करछी, 4/6 जदि बाहर करी त सेटा कोन हो जइबो वैल्यू, दैट इज 2/3, तो एको भी मु आगु बाहर करछी, तापर 5/6, दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन, 5/6 मुझे बाहर करनी, यार वैल्यू कैसे हम 83.33 हो, ठीक है, 83.33%। ओके नेक्स्ट स्लाइड को आज किसी बाहर करवा, सो आउ कि स्लाइड देखा जो 1/8 रैल्यू के हम 1/8 रैल्यू मुझे पढ़े थी 1/8 रैल्यू के दैट इज 12.5%। जदि मु 2/8 रो बाहर करी तो दिस इज 1/4 रो तो मुझे आगु बाहर करछि, तो 3/8 रो बाहर करी दिस इज अ इम्पोर्टेंट वन, 3/5 रो केते हबो 37.5%, 12.5 को 3 रे मल्टीप्लाई करबा कथा कोन, देन आसीबो केते 5/8, 4/8 तो 1/2 हबो, 5/8, 5/8 रो वैल्यू केते आसीबो 62.5%, तापर 7/8 रो वैल्यू केते आसीबो 87.5%, ठीक अछि, देन 1/9 ना देखियो, 1/9 ना हमें देखितले केते 11.11%, तो सेमिति जदि मु कहिबी 2/9 बाहर करबा पे 2/9 रो केते आसीबो जस्ट एको 2 रे मल्टीप्लाई करो 22.22%, सेमिति 3/9 जदि बाहर करबो कोन हबो, सो दैट इज 33.33%, एंड आई कैन गो लाइक दिस बहुत सारा जापर बाहर कर, तो एमती चाहिए तुम्हें बहुत किसी बाहर कर, बट मु तुमको गोटे एग्जांपल किसी एग्जांपल दे देली जोड़ा कि इम्पोर्टेंट ए नंबर गुड़ाक यूज हुए, मुझे हठात तुमको कह 7/9 बाहर कर, तुम इजिली कह 77.77%, ठीक अच्छे एतिक आस, तो तुमको कह के 4/9 बाहर कर, 4/9 बाहर कर तो के आस 44.44%, तो मुझे जानी के 1/11 इज इक्वल टू 9.09%, तो तुम कह हटात मत बाहर कर 3/11 वैल्यू के बाहर कर, 3/11 के 3/11 वैल्यू के 27.27, ठीक अच्छे 27.27% हो, तो एमती ही तुमको बाहर करने को पड़ो, बुझिपार तो ये सब जिन प्राक्ट हो, मत लगुच ये सब जिन इजिली प्राक्ट हो, तुम्हें जब भल सल्व करवाकूल यू जिन कि ना, ठीक अच्छे कि रॉकेट साइंस दरकार नहीं सल्व करने को, आम टे नेक्स्ट स्लाइड को जी, तो नेक्स्ट स्लाइड गोटे जिनस देखा जे जदि मु कह आई थिंक फ्राक्शनल वैल्यू समस्त हो जाए, देखा नेक्स्ट स्लाइड्रे एक्स परसेंट अफ y is equal to y percent of x, so x percent of y is equal to y percent of x, jodi ame emiti dekhiba je ei data jakar value equal hobo na hobo ni, to mu left hand side ku dekhu chi x percent mane kete x by 100 of y, ta jodi mu yaku dekhibi kon hobo na eita xy divided by 100 hei paribo, एक्स आउ वाई दुटा जाक उपर अच्छा लगर दुटा को मुझे गुणीदेली डिवाइडेड बाय 100 करदेली, देख याकू भी सेयर कर ना वाई बै 100 इंटु एक्स एटी जब मुझे लिखी वाई एक्स डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेटली दुटा जाक कौन हो गला
इक्वल हो गला ना हो गला मुझे जो साइन दे थी मुझे साइन ठीक अच्छे इक्वल हो गला तो सेमिति मुझे या कोमी इम्प्लीमेंट करते यहाँ तो सब बही लिखाई समस्ते देखती बट या इम्प्लीमेंट ही कहीं करती तो आउ गोटे जिनस देखा जे एक्स परसेंट अफ वाई परसेंट अफ जेड इज इक्वल टू जेड परसेंट अफ एक्स परसेंट अफ वाई वाई किसी भी नहीं और तुम आउ गोटे भी वे कर जेड परसेंट अफ वाई परसेंट अफ एक्स कर जाएस नहीं सो एबे कौन हम ना एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 100 इंटु 100 या लिखिपर एक्स वाई जेड एटी गोटे 100 थी ते एटी गोटे 100 थी ते ये दुटा जाक 100 पलि आस ठीक अच्छे एंड इज इक्वल टू एपटे भी जेड एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 इंटु 100 तो मुझे जानी मल्टीप्लिकेशन जेहेतु कम्यूटेटिव तो एक्स वाई जेड आउ वाई जेड एक्स वाई दुटा जाक इक्वाल कथा तो ये दुटा जाक कौन हो गला भैल्यू इक्वाल हो गला तो नेक्स्ट स्लाइड रे आमेर इम्प्लीमेंटेशन देखा जे ए थियोरी को केमिति इम्प्लीमेंट करा जाए सो इम्प्लीमेंटेशन देखा जे मत जो जन क्वेश्चन दब जे फाइंड क्वेश्चन है फाइंड थर्टी टू परसेंट अफ फिफ्टी तो मत टे तो टाइम लगे थर्टी टू परसेंट अफ फिफ्टी बाहर कला बेलू मत टे टाइम लगे बट टे भाविल जदि मुझे यहाँ को इज इक्वाल टू करी 50% अफ 32 लिखिदेवी तेल केीघ्र आंसर मुझे बाहर करदेवि 16 बोली डोंट यू थिंक सो जो बहुत शीघ्र आंसर बाहर पड़ो 16 बोली 50% मैंने कौन अधा एवं पढ़ी 50% मैंने के 1/2 जदि बाहर करी 32 तो अब्वियसली के 16 आस 50% के 32 सेमती आउ गोटे क्वेश्चन दूचे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16% of 25 बाहर करुच्ची दैट मीनस एवं तो टे तो भाविक ही पड़ो तो कितु जदि मुझे जस्ट यहाँ उल्टईदेली 25% अफ 16 मुझे जानी जो चेंज करी तेल किसी असुविधा पड़ पार्वन तो यार वैल्यू के फ्राक्शनाल वैल्यू 1/4 अफ 16 दैट इज 4 को कटले के 4 आंसर आसला के इजिली आंसर बाहर देख नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन दूसरे सार कौन सार इजिली इजी क्वेश्चन गुड़ा दौरान जोड़ा साथ से मत दौरान निजे करूना कष्ट क्वेश्चन देख 81.6% अफ 12.5 ये बाहर कर 81.6% अफ 12.5 तो देख ये कौन करी मत फ्राक्शनाल वैल्यू जना अच्छे 12.5 दैट्स व्हाई मु 12.5% ऑफ 81.6 लिखिदेवी तो 12.5 के 1/8 इंटु 81.6 तो या जिते मुझे कैंसल आउट करी 8×8 शून तापर आसला के 0.2 ठीक अच्छे तो 10.2 आंसर आसला ये भी कष्ट ना सल्व करवा ठीक अच्छे 10.2 आसला आउ लास्ट क्वेश्चन गोटे दूचे ये स्लाइड्र आज भिडर लास्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन को मन रखा तुमको पड़ो ही पड़ो जदि इफ यू वांट टू सक्सीड इन एनी एग्जाम तो फ्रैक्शन तो मन रखा ही पड़ो अलग किसी बाट ही ना 45% अफ 280 प्लस 28% अफ 450 तो 45% अफ 280 प्लस 28% अफ 450 तो टिके देख जदि मुझे 45% अफ 280 रखिली प्लस यहीटा को कौन कली ना मुझे 28 by 100 इंटु 450 कली तो दैट इज 45% अफ 280 प्लस यहाँ के 228 × 450 मुझे लिखिपरि 280 / 100 × 45 किसी फरक पड़ो दुटा जाक कौटी अच्छा लबर ही अच्छा तो मुझे जीरोटा नहीं कि एपटे मल्टीप्लाई करदे आई डोंट थिंक किसी असुविधा हे सो 45% अफ 280
प्लस एठी केते ही गला तो एठी 280 एठी रखिदेबी इनटू एठी 45 बाय 100 लिख दे। सो ए सब जिनस तमे कोन करबो ना बैकग्राउंड रे होतबो तमे एको हाते रे करबो नी एग्जाम हॉल रे मु तुमको बुझौ छी बोली करू छी ओडा सब बैकग्राउंड रे चलथिबो 45% ऑफ 280 प्लस एटा केते 45% ऑफ 280। सो नाउ 45% ऑफ 280 45% ऑफ 280 दिथर तो 2 इनटू 45% ऑफ 280 तमे डायरेक्ट सीधा ए लाइन रो विद इन 3 सेकंड्स ऑफ 4 सेकंड्स एठी आसी के पहुंची जीवो तो केते हे गला ना 2 इनटू 45 बाय 100 इनटू 280 तो 0 एठी 0 काटिलो एठी काटिले केते आसीला 2 एटा केते आसीला 45 टा केते आसीबो 9 तो 9 आसीला एठी जदि तमे काटिलो केते 2 को 2 कटि गला 48 9 जार आसीबो केते वैल्यू 252 आंसर आसीला 252। सो आई थिंक इट इज अ गुड मेथड याकु सॉल्व करबा को दीटा जक एमिति डायरेक्टली सॉल्व करिया अपेक्षा टिके जदि ब्रेन यूज करिवो देन एई लाइन को तमे बहुत इजीली विद इन सेकंड्स आसीबो सेकंड्स आसीला पर एई कैलकुलेशन भी आउ 4-5 सेकंड रही काम तो विद इन 10 सेकंड्स तमे ई क्वेश्चन नो आंसर बाहर करि परिबो। आई थिंक 10 सेकंड रो क्वेश्चन एटा आउ अधिक न। सो मते लागु छी जे आज हम स्लाइड्स रे वीडियोस रे जहां पढिले तम माने बुझी परथिबो। सो नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा जे आउ किछि जिंस जेमति बेस चेंज रो रूल अछि बेस चेंज से बेस चेंज रो रूल देखिबा। सो आज पे सेतिक थौ थैंक यू एवरीवन जदि कहार किछि डाउट अछि देन कमेंट थ्रेड रे लिखिबो वी विल ग्लैड टू गिव यू आंसर्स और राइट योर कमेंट्स ओके थैंक यू एवरीवन।